हाय नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर 35th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है प्रोक्योरमेंट साइकिल एंड रिवर्सल। आइए देखते हैं। राइट, तो प्रोक्योरमेंट साइकिल ऑलरेडी हमने कवर्ड कर लिया था एंड रिवर्सल क्या होता है एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोक्योरमेंट साइकिल के रिवर्सल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है एंड रियल टाइम में इसकी नीड कब होती है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपने क्या करा, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया। आपकी कंपनी को किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, परचेजिंग करनी है, ऑब्वियसली परचेजिंग की जाती है। तो परचेजिंग रॉ मटेरियल की भी होती है। समटाइम्स क्या होता है, कंपनीज फिनिश प्रोडक्ट ही परचेज करती हैं एंड आगे सेल कर देती हैं, तो परचेजिंग तो करती ही हैं। तो अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा परचेज ऑर्डर, देन आपको गुड्स रिसीव करना होगा एंड देन आपको करना होगा इनवॉइस वेरिफिकेशन। जो बिल सेंड करती है वेंडर्स और सप्लायर, उसका इनवॉइस वेरिफिकेशन करना होगा। राइट, तो यहां तक तो हो जाता है आपका प्रोक्योरमेंट साइकिल। लेकिन क्या होता है कि बाय मिस्टेक आपने क्या करा कि आपको प्राइस लेना था पर आइटम का 20 एंड बाय मिस्टेक आपने ले लिया 10, तो आपको इस केस में रिवर्सल करना होगा। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने मिस्टेक किया, आपने प्राइस लेना था 10, आपने ले लिया आपको प्राइस लेना था 20 एंड आपने ले लिया 10। एंड ऐसा टैक्स के केस में भी हो सकता है एंड कोई भी मिस्टेक्स हो सकती है। टैक्स मेरे को लेना था X4 और मैंने ले लिया बाय मिस्टेक X2। तो इस केस में अगर आप दूसरे ERPs यूज कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आप SAP आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है एंड देन आपको क्या करना है, इसके स्टेप्स हैं रिवर्सल के, उसको आपको फॉलो करना है। क्या स्टेप्स हैं रिवर्सल के, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कैंसिल करना होगा इनवॉइस। देखो जैसे आप इनवॉइस वेरिफिकेशन करते थे तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करते थे, देन गुड्स रिसीव करते थे, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन करते थे। लेकिन जब आप रिवर्सल में जाओगे तो सबसे पहले कैंसिल करोगे इनवॉइस, देन आप कैंसिल करोगे गुड्स रिसीव, देन आप चेंज करोगे परचेज ऑर्डर एंड देन अगेन यू विल डू गुड्स न्यू गुड रिसीव एंड यू विल डू न्यू इनवॉइस वेरिफिकेशन। राइट, तो हमने क्या कहते हैं, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इनवॉइस वेरिफिकेशन कर लिया था, हम उसी को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेट्स सपोज कि हमको उसका प्राइस चेंज करना है। राइट, तो मेरे को उसका प्राइस चेंज करना है या फिर उसका टैक्स, दोनों चीज चेंज करनी है। मैंने बाय डिफॉल्ट टैक्स भी गलत ले लिया एंड प्राइस भी गलत ले लिया, बाय मिस्टेक मैंने टैक्स भी गलत ले लिया एंड प्राइस भी गलत ले लिया, तो मैं इसका रिवर्सल करता हूं। तो चलते हैं अपने SAP सर्वर पर। एंड मेरे को जाना है कहाँ, मेरे को यूज करना है टी कोड। पहले देखो मैं आपको दिखा देता हूं ME23N में डिस्प्ले परचेज ऑर्डर में कि मैंने ऑलरेडी इनवॉइस वेरिफिकेशन कर रखा है। आपको ऐसे नोटपैड पे भी इन डॉक्यूमेंट्स को सेव रखना है।
ठीक है, नोट पैड पे इनको मेंटेन करके रखना है, लाइक परचेज ऑर्डर नंबर, गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, तो देखो मैं आइटम डिटेल्स में आपको परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में दिखा देता हूं। नाउ सी, दिस इज माय इनवॉइस रिसिप्ट, ठीक है, एंड दिस इज माय गुड्स रिसिप्ट, ठीक है। एंड आप एक चीज और देख सकते हो कि अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जब हम रिवर्सल जाएंगे तो यही स्टॉक आपका ऑन ऑर्डर में चला जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बताता हूं क्या कहना चाहता हूं, ये देखो, अभी देखो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में 1300 समथिंग कुछ है, ठीक है, 1300 स्टॉक है एंड ऑन ऑर्डर 100 है। तो जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा गुड्स रिसिप्ट, कैंसिलेशन करूंगा, तो मेरा ऑन ऑर्डर में 200 हो जाएगा, राइट, एंड मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में 1300 की जगह 1200 हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कैंसिल इनवॉइस यूजिंग टी कोड MR8M। तो मैं टी कोड यूज कर लेता हूं MR8M, एंटर। यहां पर मेरे को इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर देना है जो मैंने नोटपैड पे सेव कर रखा है, ये देखो, तो ये मेरा है इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं सिंपली। यहां पर मेरे को फिजिकल ईयर देना है 2023, एंड यहां पर मेरे को रीजन देना होगा रिवर्सल का, तो वी विल डायरेक्टली सेलेक्ट 01 रिवर्सल इन करंट पीरियड, ठीक है, एंटर करना है एंड सेव करना है, राइट। सो दिस इज साइन की डॉक्यूमेंट रिवर्स विद दिस विद मैनुअली, तो ये साइन है कि रिवर्सल हो गया है, एंड दिस इज सजेस्टिंग कि आपको मैनुअली मैनुअली भी FI डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं, जो कि FI डिपार्टमेंट का काम होता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज कैंसिल इनवॉइस कर लिया, अब हम करेंगे कैंसिल गुड्स रिसिप्ट, कैंसिल GR यूजिंग टी कोड माई गो एंड सेलेक्टिंग ऑप्शन कैंसिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे माई गो में, मिगो, एंड यहां पर मेरे को कैंसिलेशन सेलेक्ट करना है, राइट। सो मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है, एंड मेरे को करना है एंटर। नाउ सी, अभी अगर मैं स्टॉक ओवरव्यू में जाकर अपना स्टॉक चेक करता हूं, तो मेरा स्टॉक है 1300 अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में एंड ऑन ऑर्डर में 100 है। कैंसिलेशन करते ही ये मेरा हो जाएगा 1200, 1200, एंड ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, सॉरी, ऑन ऑर्डर हो जाएगा आपका 200, क्योंकि कैंसिलेशन करते ही ये स्टॉक वापस चला जाएगा ऑन ऑर्डर स्टॉक में। सो चेक एंड पोस्ट। चेक एंड पोस्ट। नाउ अगर मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूं, एंड आप स्टॉक ओवरव्यू चेक करते हो, तो आप देख सकते हो कि
ये हो गया आपका 1200 अनरिस्ट्रिक्टेड, एंड ये चला गया 100 क्वांटिटी चला गया ऑन ऑर्डर स्टॉक में, राइट। ठीक है, समझिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चेंज परचेज ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, अब परचेज ऑर्डर चेंज करेंगे यूजिंग टी कोड ME22N, ठीक है। तो जो जो मिस्टेक्स हमने करी थी, हम परचेज ऑर्डर में जाके इसको चेंज कर लेंगे। तो लेट सपोज कि मेरे को प्राइस देना था, मेरे को अदर परचेज ऑर्डर में अपना परचेज ऑर्डर नंबर देना है, एंटर करना है। नाउ सी कि लेट सपोज कि मेरे को प्राइस देना था 20, एंड बाई मिस्टेक मैंने 10 दे दिया था, तो मैं यहां से इसको चेंज कर लूंगा। राइट एंड अगर मेरे को टैक्स भी चेंज करना है, तो मैं यहां से X2 की जगह, लेट सपोज कि मैंने गलती से X2 ले लिया था, लेना मेरे को X3 था, तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा एंड चेक एंड सेव। तो ये मेरा परचेज ऑर्डर क्रिएटेड हो चुका है। चेंज करने के बाद भी हमारा सेम परचेज ऑर्डर नंबर रहता है, ठीक है। चाहो तो आप इसको सेव कर लो नोटपैड पे, नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, दोबारा से गुड्स रिसीव्ड करना है, अगेन गुड्स रिसीव्ड, GR अगेन एंड अगेन इनवॉइस, ठीक है। तो ये स्टेप मेरे को फिर से करने हैं, तो मैं यूज करूंगा टी कोड MIGU, माई गो एंटर। एंड माई गो में मेरे को क्या देना होगा, मेरे को पहले सेलेक्ट करना होगा गुड्स रिसिप्ट ऑप्शन, एंड यहां मेरे को देना होगा परचेज ऑर्डर, क्योंकि मैं गुड्स रिसिप्ट कर रहा हूं अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। एंड मेक श्योर करना है कि मूवमेंट टाइप 101 होना चाहिए, देन एंटर। राइट एंड मेरे को चेक बॉक्स आइटम ओके का फ्लैग चेक बॉक्स चेक मार्क करना है, मेरे को यहां स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करना है एज यूजल, चेक एंड पोस्ट। नाउ दिस इज माई मैटीरियल डॉक्यूमेंट नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं करूंगा इनवॉइसिंग अगेन, राइट, यूजिंग टी कोड MIRO। यहां पर मेरे को इनवॉइसिंग डेट देनी है, मैं इनवॉइसिंग कर रहा हूं अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, तो मेरे को यहां अपना परचेज ऑर्डर देना है एंड बेस लाइन डेट देनी है, एंटर। एंड मेरे को बेसिक डेटा में सेलेक्ट करना है टैक्स जो है X3 एंड कैलकुलेट टैक्स। ये 2600 ये अमाउंट हमको पे करनी है, तो मेरे को ये अमाउंट यहां पर फिल करनी होगी। एंड इन रियल टाइम जो सप्लायर जो सेंड करते हैं बिल, ये उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। राइट, 2600। तो यहां पर मैं 2600 दूंगा, एंटर करूंगा। नाउ इट मस्ट बी ग्रीन, ठीक है, एंड बैलेंस मस्ट बी जीरो हेयर। देन मैं सिमुलेट में जाऊंगा एंड मैं चेक करूंगा यहां पर मेरी पोस्टिंग सारी जो है राइट है, लाइक मेरे को 2600 देना है वेंडर को, उसमें से मेरे को 2000 का गुड्स रिसिप्ट हुआ है एंड 600 का मेरे को टैक्स पे करना है, इंटीग्रेटेड GST। देन अगर ये करेक्ट है तो मैं पोस्ट कर दूंगा। राइट, सो दिस इज माई इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर।
एंड ये सारी पोस्टिंग्स मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? ये सारी पोस्टिंग्स मैं चेक कर सकता हूँ यूजिंग टी कोड ME23N इन द परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब, राइट? तो हम देख लेते हैं ME23N में, ME23N यहां पर अदर परचेज ऑर्डर में जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे अपना परचेज ऑर्डर एंड आपको यहां आइटम डिटेल्स में जाना है एंड परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो ये मेरा है पुराना वाला इनवॉइस, राइट? ये कैंसिलेशन, दिस इज फॉर लास्ट इनवॉइस, दिस इज अ लास्ट इनवॉइस डॉक्यूमेंट, ये कैंसिलेशन के बाद का था एंड दिस इज माय न्यू इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है? सो 100 100 माइनस, माइनस इज फॉर कैंसिलेशन एंड 100 इज अगेन फॉर न्यू इनवॉइसिंग, ठीक है? ये बिल इसका अमाउंट है 2000 एंड लास्ट था 1000, राइट? सो गुड्स रिसिप्ट में भी आप देख सकते हो ये है हमारा जो सबसे पहला गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर था, उसके बाद ये कैंसिलेशन का था 100 माइनस एंड ये हमारा है लेटेस्ट, राइट? सो यहां से मैं जाकर अपना अकाउंट पोस्टिंग चेक कर सकता हूं। तो मैं डबल क्लिक करूंगा अपने इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में जाऊंगा एंड यहां से मैं देख सकता हूं ये रही मेरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। यहां पर मेरे को 2600 मेरे को पे करना है, ठीक है? उसके अंदर तो से 2000 मेरे को गुड्स रिसिप्ट हुआ है जो कि मेरे को वेंडर को देना है एंड 600 उसमें से है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो उसने स्प्लिट कर दिया इसको, राइट? ऐसे ही मैं गुड्स रिसिप्ट का भी चेक कर सकता हूं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाऊंगा, फाइनेंस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा एंड यहां से मैं अपना अकाउंट पोस्टिंग चेक कर सकता हूं 2000 प्लस एंड 2000 माइनस, राइट? सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्या नहीं आया? चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करा था, ये हमारे प्रोक्योरमेंट साइकिल्स थे, क्रिएट किया था परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट किया, इनवॉइसिंग किया, देन कैंसिल। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहां तक तो मेरे को लगता है कि किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद, इनवॉइस वेरिफिकेशन तक। उसके आगे का डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैंसिल इनवॉइस किया यूजिंग टी कोड MR8M। तो हमने यूज किया टी कोड MR8M एंड यहां पर मैंने अपना इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर दिया, फिजिकल ईयर दिया एंड रिवर्सल का रीजन दिया, एंटर एंड सेव। उसके बाद मैं कैंसिल किया मैंने गुड्स रिसिप्ट यूजिंग टी कोड माइगो, कैंसिलेशन सेलेक्ट किया एंड वहां से हमने कैंसिल किया GR। देन हमने क्या किया, चेंज किया परचेज ऑर्डर यूजिंग टी कोड ME22N एंड वहां जाकर हमने क्या करा, जो जो हमने मिस्टेक्स की थी वो हमने क्रैक कर ली यहां पर, राइट? देन हमने दोबारा से गुड्स रिसीव्ड किया यूजिंग माइगो एंड देन हमने दोबारा से इनवॉइसिंग की, इनवॉइस वेरिफिकेशन किया यूजिंग टी कोड MIRO। तो ये स्टेप्स थे। देन हमने एट लास्ट ME23N में जाके परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में हमने चेक कर लिया, राइट? तो ये थे, यहां से हम परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में हम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया, ठीक है? एंड बिट डेट, पोस्टिंग डेट आप चेक कर सकते हो, ठीक है? सो स्टूडेंट धर्मा, जो कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट भेजते हैं, सारे लोग नहीं भेजते हैं। टू बी ऑनेस्ट, विदाउट प्रैक्टिस आप SAP में एक्सेल नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना होगा। गजब बेइज्जती है। सिर्फ दो तीन स्टूडेंट के अलावा कोई भी
स्टूडेंट धर्मा नहीं भेजते हैं। स्टूडेंट धर्मा कहाँ भेजना होता है? टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं आपके लिए, जो स्टूडेंट्स मेरा सर्वर यूज कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाए गए हैं, वहां जाकर आपको भेजना होता है। वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है? आज का स्टूडेंट धर्म क्या है? रिवाइज करना है नोट्स को, प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट्स को प्रोक्योरमेंट साइकिल एंड रिवर्सल के, एंड आपको कम से कम 10 परचेज ऑर्डर जीआर इनवॉइस क्रिएट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है ME23N परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब का, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट? कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये मेरी, जिस किसी को भी सर्वर परचेज करना है, प्लान परचेज करना है उसका, वो प्रैक्टिस वो मेरे को उस पर डीएम कर सकते हो। एंड मंथली प्लान भी होता है, ईयरली प्लान भी होता है, 3 मंथ का प्लान भी होता है, ठीक है? आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लेक्चर को अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, काफी मेहनत की जाती है यार एडिटिंग में, नोट्स बनाने में, ये आपके लिए नोट्स बनाए जाते हैं, कंटेंट तैयार किया जाता है, देन आपको आपका जो 1 घंटे का या 30-40 मिनट का जो लेक्चर होता है उसके ऊपर यार पूरी पूरी दिन की मेहनत लगी होती है। तो लाइक करने में, शेयर करने में लेक्चर को कितना टाइम लगता है यार? 1 मिनट भी हार्डली नहीं लगती है। तो आप लोग लाइक किया कीजिए, इससे क्या होता है कि जो गूगल होता है उसको पता लगता है कि हम भी ऐसे पीछे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचता है। तो जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो लाइक कीजिए कीजिए, इससे मेरे को इंस्पिरेशन भी मिलता है। बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इतना कंटेंट जो कि आप मार्केट से 30-40 थाउजेंड में एटलीस्ट आपको मिलता है, ये अगर आप पर्सनल ट्रेनर भी लेते हो तो, ठीक है? ये सेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो एटलीस्ट यार आपको लाइक तो करना चाहिए एंड अपने SAP सर्किल्स के साथ में शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लास्ट तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।